आज नवरात्रि के पहले दिन पूरे देश के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार के मंदिरों में मां शैलपुत्री की उपासना चल रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। मां मनसा देवी मंदिर में सुबह से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गए। इस दौरान मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजमान रहा। हर साल नवरात्रि में मां मनसा देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार का मां मनसा देवी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जो सिद्धपीठ भी है। यहां मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो श्रद्धालु मां मनसा की सच्चे मन से उपासना करता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। मां मनसा के मंदिर का वर्णन पुराणों में मिलता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। और आज के दिन में समझता हूँ जो ये नवरात्रे है, तो जितनी भी हमारी भाई बहनें हैं, सभी हरिद्वार के जितने भी लोकल यात्री हैं, मनसा देवी में आते हैं। क्योंकि सबका ये मानना है कि माँ मनसा देवी में जो भी जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। माँ मनसा देवी मंदिर ऐसा जो आप देखते रहे पूरे पहाड़ पे है, और जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे धागा बांधता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन जो जितनी हमारी माताएं हैं, बहनें, जो हरिद्वार के वासी है, हरिद्वार के रहने वाले, सभी ने उपवास रखा हुआ है और सभी के लिए हमने तकरीबन व्यवस्था रखी हुई है, और सभी यात्री आज मंदिर में आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी जो है माँ भगवती को मनाओ, माँ भगवती को रिझाओ, माँ भगवती की उपासना करो, ताकि माँ भगवती आप पे प्रसन्न हो जाए और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए, और दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी को करना चाहिए। इसमें माता रानी के जो नौ रूप है उनकी पूजा की जाती है। जैसे आज पहला नवरात्रा है, आज माँ शैलपुत्री का दिन है, आज उनकी पूजा की जाती है। ऐसे अलग अलग दिन हम अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं। अपनी देवी ये माया देवी है, जैसे ये सब माता रानी के मंदिर है, तो स्पेशली लोग बाहर से दूर दूर से यहाँ मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि हमारे हिंदू धर्म में बहुत पवित्र दिन माने जाते हैं, इसलिए स्पेशली इस पे माता रानी की पूजा की जाती है। इसलिए लोग दूर दूर से मंदिरों में दर्शन करने आते हैं।